वॉट मीटर मेथड। अब यार ये तुम्हारी अपनी चॉइस, चाहे तुम स्टार में निकालो चाहे तुम डेल्टा में निकालो, रिजल्ट दोनों में सेम मिलने वाले हैं भाई। ये मत बोल देना कि ये कन्वर्जन नहीं कर रहे तुम, कि स्टार से उन्हीं क्वांटिटी को उठा के तुमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कनेक्शन है क्या? देखो हमने क्या किया होगा, अगर तुमने स्टार डेल्टा ये ऑब्जर्व किया तो हमने यहाँ आर एक्स, यही आर और एक्स, यही आर और एक्स, तो इसका इम्पीडेंस जेड, इसमें भी सेम जेड, इसमें भी जेड। हमने पहले इस सेम लोड को स्टार में जोड़ा, और देखो अगर मैं इसे कन्वर्ट करता डेल्टा में, तो कन्वर्ट करता तो 3 से मल्टीप्लाई करता। मैंने कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब ये सेम जो लोड है इसे हमने इंडिपेंडेंटली वे में अब डेल्टा में जोड़ा, तो अभी भी इम्पीडेंस कितना है? वही जेड जेड जेड, क्वांटिटी सेम है ना। तो ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कनेक्शन है। कभी आप कहो कि स्टार कनेक्शन है फिर इसे कन्वर्ट करके हमने डेल्टा में जोड़ दिया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आपके पास तीन तार है, उन्हीं तीन तार को आप स्टार में जोड़ रहे हो, उन्हीं तीन तार को उठा के आप डेल्टा में जोड़ रहे हो। वो जो कन्वर्जन था वो क्या है कि यदि आपने किन्हीं तीन तार को स्टार में जोड़ा, इसके इक्विवेलेंट प्रैक्टिकली नहीं थ्योरेटिकली डायग्राम ड्रॉ करो डेल्टा में, तो वो स्टार से डेल्टा जब आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, वो सिर्फ आपका थ्योरेटिकली बेस्ड है। ये क्या है कि तीन तार रखे हैं, उन तीन तार को पहले आपने स्टार में जोड़ना है और उन्हीं सेम तीन तारों को उठा के आपने डेल्टा में जोड़ा जी। तो जितना भी ये पावर का फॉर्मूला आएगा, स्टार में ड्राइव करो या डेल्टा में, बेटा ये दोनों में सेम आएगा। तभी थ्री फेज में नॉर्मली आप 3 VpIp cos φ या √3 VLIL cos φ पढ़ते आए हो। तो चलो जी स्टार बनाते हैं पहले। हाँ ये भाई ऐसा मत सोचना सर ने अंदर की तरफ क्यों ड्रॉ कर दिया। हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि थ्री फेज जनरेटर भी हो सकता है, थ्री फेज लोड भी हो सकता है। तो अगर तुम्हें शुरू से बाहर ही बनवाए तो बाहर ही बना देता हूँ। ये स्टार बना दिया हमने, तो VR IR फेज क्वांटिटी, VR IR के बीच का एंगल कितना? 120। अरे भाई VR और IR के बीच का एंगल कितना है? फाई है। VY IY के बीच का एंगल कितना है? फाई है। VB IB के एंगल बीच का क्या है? फाई है। इसका मतलब यही तो हुआ, फेज क्वांटिटी के बीच में एंगल फाई 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 सब में बैलेंस है। अब देखो टू वॉट मीटर मेथड में ये कहा है कि आप किन्हीं दो फेज के बीच में या किन्हीं दो कॉम्बिनेशन के बीच वॉट मीटर लगाओ डायरेक्टली, और किसी एक को फ्री छोड़ के रेफरेंस मान लो। देखो मैं ये बता रहा हूं आपको, इतना मुश्किल नहीं है। आपने बेटा ये करना है, करंट कॉइल ये बना दिया पोटेंशियल कॉइल, ये आपने नॉर्मली यहां आर में कनेक्ट कर दिया जी। ये हमने कहा यहां वॉट मीटर W1, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने यहां से बी को रेफरेंस लेना है। अब ये नहीं कि सर तुमने बी को क्यों ले लिया, वाई को ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी अपनी चॉइस है भाई। तो तुम भावुक कर दो कभी सर इसी में क्यों ले लिया, तो ये लो इस पे आपकी अपनी मर्जी, बदल लो जब चाहो जैसे चाहो। ये लगा दिया करंट कॉइल और ये लगा दिया जी पोटेंशियल कॉइल। ये बच्चों आर है, ये बी है भाई, और ये वाई है। किन्हीं भी दो फेज में वाट मीटर लगा दिए। देखो जी इसलिए टू वॉट मीटर मेथड बहुत फेमस हुआ है क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो थ्री फेज में बैलेंस अनबैलेंस में पावर को नाप लेता है। हम मेजरमेंट में पढ़ेंगे, हम वैसे तो ये कह रहे हैं कि थ्री फेज फोर वायर में नापता नहीं है,
लेकिन एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और हम टू वाटमीटर मेथड को थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस में भी यूज कर पाएंगे। लेकिन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे हमें। जरा पानी लाना यार। चलो जी, दो में जोड़ दिया हमने वाटमीटर, इसकी रीडिंग मान लेते भाई बच्चों डब्ल्यू टू। तो देखो जी, इसकी पोटेंशियल कॉइल भी यहां कनेक्ट है, और भाई इसके भी पोटेंशियल कॉइल देखो, हमने दोनों रेफरेंस पर एक पर कर दिया ना, इस तरह के सिंबल मतलब ओवरलैप है, टच नहीं है इसमें। हाँ भाई, किसी भी एक को रेफरेंस मानो चलेगा, आप इन दोनों के बीच लगाओ इसको कर लो। तो अभी वाटमीटर देखो, अगर आपको थोड़ा सा ये दिमाग में हो, अगर मैं 120 डिग्री एंगल से देखूं, तो मैंने R से 120 बोला, मैंने 120 का मतलब ये, ये और ये, तो मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, इनका पेपर से मतलब नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ पाएगी। मैं बोल रहा हूं कि 120 डिग्री लीडिंग फेज बी, अरे यार अगर आर रेफरेंस है तो आर से भी 120 डिग्री आगे है ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो 120 डिग्री लीडिंग फेज बी कह सकता हूं, और मैं 240 डिग्री लैगिंग फेज बी बोल सकता हूं, दोनों सेम ही तो कहलाएंगे ना। तो आप अभी 120 के हिसाब से अगर चले, तो आपने वाट मीटर को रेफरेंस और लीडिंग फेज में लगा रखा है, ठीक है भाई। अगर आप रेफरेंस और माना कोई स्टेटमेंट दे दे कि भाई आप रेफरेंस, मैं इसलिए सारे स्टेटमेंट की जड़ एक बता दे रहा हूं कि भाई इनमें किन्हीं भी दो फेज में वाटमीटर लगा लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर आपको स्टेटमेंट ये दिया जाए कि हमने रेफरेंस 120 डिग्री लीडिंग फेज में वाटमीटर लगा दिया, या फिर लैगिंग 120 या 240 में हमने वाटमीटर लगा दिया, तो क्या ये काम करेगा? आप कहना सेम रिजल्ट दे देगा। तो यहां पर ये कुछ बाध्यता नहीं है कि भाई आप स्पेसिफिक आर वाई बी में ही लगाए, आप लीडिंग या लैगिंग किसी भी फेज में दो वाटमीटर लगाइए, लेकिन एक को रेफरेंस कर दो तो ये काम कर लेगा। ये अलग बात है, फॉर्मूला वगैरह सब वही है, लेकिन डीपली अगर हम पढ़ेंगे तो मामूली सा प्लस और माइनस का एक जगह अंतर तो जरूर आएगा। वो भी केस आपके सामने मैं डिस्कस जरूर करूंगा कि कौन सा न्यूमेरिकल है। चलो पहले तो मुझे ये बता दो आप कि भाई आर वाले में करंट बेटा हमने जो लिया है करंट कॉइल में, वो तो आई आर है, और भाई ये यहां पर जो है वो आई बी है। तो वाटमीटर की करंट कॉइल में तो हमें करंट मिल गया, ठीक है भाई। अब बात आती है पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज की। तो देखो हमने क्या काम किया, ये बताओ इस वाले में अगर मैं देखूं तो आर से लेकर वाई तक, बेटा पोटेंशियल कॉइल तो आर से वाई तक टच है ना, तो कौन सी कितनी वोल्टेज होगी? वी आर वाई। तो मुझे यह भी पता चल गया कि भाई डब्ल्यू वन की पोटेंशियल कॉइल पे वोल्टेज कौन सी है? वी आर वाई, करेक्ट जी। अब बी वाले पर भी बताओ कि भाई पोटेंशियल कितनी है बच्चों? वी बी वाई, ठीक है जी। अब जरा आप ये बता दो कि W1 की रीडिंग बताओ कितनी लिखूं? W1 की रीडिंग पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? करंट कॉइल के अक्रॉस में करंट कॉस एंगल कितना? फाई तो मत ही बोल देना, फाई जो एंगल है वो वी आर आई आर के बीच की बात है, मैं बोल रहा हूं वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल। तो वी आर वाई IR के बीच का एंगल, ये तो है जी W1, जिसे हमने कहा समीकरण नंबर A। अब चल दो W2 पर भाई फटाफट से। चलो W2 पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस में वोल्टेज VB, शाबाश। करंट एंगल BY हो गया, IB हो गया, अब आ गया cos VBY आई
ये बना दिया यहां पर हमने, तो ये आ गया डब्ल्यू वन, ये आ गया यहां पर डब्ल्यू टू। इतना ठीक है भाई। देखो जी, अब स्टार कनेक्शन है तो मेरे लिए यहां पर एक चीज तो बड़ी आसान हो गई कि सर आई आर आई वाई आई बी स्टार में तुम इसे फेज बोल दो या आई एल बोल दो, हमें टेंशन है नहीं। क्यों भाई? भाई स्टार जो है बेचारा, अच्छा प्रॉब्लम तो एक और भी नहीं है। देखो अगर आप ने सीखा हो वी आर वाई वी वाई बी बी आर, यार होता तो ये भी लाइन ही है, इसमें क्या टेंशन है। यानी कि और ऐसा नहीं कि सर यही मैंने सिखा रखा है कि मान या तो इसे वाई बी लिखो या बी वाई लिखो, मान सेम आएगा बस डायरेक्शन उल्टा बन सकती है और क्या। तो देखो हमें वी आर वाई का मान क्या लगाना चाहिए, वी एल। वी बी वाई का मान क्या लगाना चाहिए, वी एल। आई आर का मान क्या लगा दे, आई एल। आई बी का मान क्या लगा दे। ये तो बात सही है लेकिन बात फंस गई ना एंगल में। अगर ये एंगल पता चल जाए, एक वाट मीटर में 10 वाट है दूसरे में 10 है, तो टोटल पावर में दोनों को जोड़ लेता हूं ना। मेजरमेंट में तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि बेटा ये कैसे तुम ये क्लेम करोगे कि इन दो वाट मीटर ने ही तीन फेज की पावर नाप दिया। अभी तो मैं टू वाट मीटर मेथड पढ़ा रहा हूं, आपको ये भी डेरिवेशन करवा के बताऊंगा कि देखो भाई फेज तीन है तो वाट मीटर तीन होने चाहिए थे, यही तो करोगे। लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि आपने दो वाट मीटर लगा दिए और पावर तीन की नाप दी, तो हमें ये भी सिद्ध करना पड़ेगा इसमें। तो चलो जी, अब देखो ये एंगल का पता करते हैं। अब फटाफट से मुझे ये बताओ कि पुराने वाला जो फेजर डायग्राम अभी बनाया था हमने, इसे आप ये तो समझते होंगे कि सर तीनों जो वोल्टेज है वो एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर स्थित है। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलो जिसे हमने लिख लिया वी आर, इसे वी वाई और इसे वी बी, बैलेंस में 120 बना दे। तो बेटा फेज वोल्टेज और करंट में यहां पर जो एंगल आप देख पा रहे हो ना वो फाई एंगल है। या यार हो गया, एंगल कितना है जी, फाई है। ठीक है भाई, अब ये देखो तुम्हें चाहिए क्या, आई आर ड्रॉ कर लिया, आई वी ड्रॉ हो गया, आई वी भी हो गया। अब आपको चाहिए ये कि आपको वी आर वाई चाहिए और वी बी वाई चाहिए। तो इसके लिए देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि पुराने से नया कुछ ज्यादा कुछ विचार मत करना, यही काम कर देगा जो आपने अभी तक सीखा है। अब इस तरफ से वी वाई को, क्योंकि हमें चाहिए माइनस के वी वाई ना, तो बेटा ये हो गया माइनस के वी वाई। अच्छा एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट लिख दूं हम तो समझ जाओगे ना, वी आर वाई मतलब वी आर माइनस के और वी बी वाई, यही तो हो गया यार बच्चों। तो एक दूसरे से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अच्छा अब यहां से भी एक दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। बेटा ये बताओ ये कितना होगा, वी आर वाई और इसी प्रकार से V, B, Y, बस हो गया काम।
अब एंगल निकालो, जिसके बीच में एंगल पूछा ना वो कैलकुलेट करो। वी आर वाई, तो अगर ये 60 होता तो मैं ये लिख लूं बेटा, ये कितना आवाज, तो ये कितना है 90। चलो 30+5 मिल गया हमें, तो वी आर बाई आई आर के बीच का एंगल का इलाज तो हो गया 30+5। ठीक है भाई बच्चों, अब हमें चाहिए आई बी और वी बी वाई के बीच का एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल आप ये वाला एंगल जो रेड बनाया ना मैंने, ये यार इसे आप 30 डिग्री बोलते ना बेटा, ये टोटल 60 होता आधी लाइन पर, ये ना ये वी बी वाई, और यार ये छोटा सा जो एंगल है ये फाई बना दिया। तुम्हें एंगल क्या चाहिए, वी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल। चलो तो ये दिखाता हूं मैं, तुम्हें एंगल ये चाहिए यार ये, तो इसे कितना लिखूं, अरे बस ये भी काम हो गया, 30-5। आपने वाटमीटर लगाया आर में, बी में, वाई को रेफरेंस रख दिया, तो हमने यहां निकाले 30+5, 30-5। चलो इस पर आ जाओ, तो बच्चों डब्ल्यू वन बराबर में वी आर वाई मतलब वी एल आई एल कॉस, एंगल बोलो 30+5, डब्ल्यू टू देखो वी एल कॉस, ये मिला मैं डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू। पहले इतने को समझो हमने क्या क्या किया है, पहले जितना दिमाग है इतने पे लगा दो, फिर दिमाग में ये भी रखो कि अगर हम बी को रेफरेंस मान लेते और वॉट मीटर वाई में लगा देते तो हम क्या एनालिसिस करते, ये भी ड्रॉ करके देखो कि फिर एंगल कितना आ जाता। चलो जी, तो हमने डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की रीडिंग तो निकाल दी, अब जो टोटल पावर हो गई उसमें इन दोनों वॉटमीटर की जो रीडिंग है उसे नाप लेंगे, तो ये तो करेंगे और क्या। तो हमने कहा यहां से टोटल पावर W बराबर में W1 प्लस में W2। देखो पहले से हमने लाइन में ही कैलकुलेशन कर रहे भाई, तो W1 का मान है वी एल आई एल कॉस 30+5 प्लस में वी एल कॉस 30+5, तो हमें ये मिल गया जी। तो भाई बच्चों हमने वी एल आई एल बाहर ले लिया, तो ये मिल गया हमें कॉस कॉस 30-30 sin 5, अरे साइन में प्लस आता है प्लस में और कॉस में उल्टा आता है, नहीं भी सही होगा तो कटेगा नहीं पता चल जाएगा अपने आप ही। कॉस 30+ में sin 30 sin 5 सही है, कैंसिल दे, तो W बराबर वी एल आई एल सेम मिल गया ये, तो 2 cos 30 √3/2, तो W बराबर √3 वी एल आई एल 2 × 3/2 तो W बराबर हमें मिल गया ये √3 वी एल आई एल कॉस 5। और देखो ये W हमारे लिए लाइन पर टोटल पावर हमें मिल रही है भाई W1 प्लस में W2 √3 वी एल आई एल कॉस 5।
अगर हम बेटा ये फेज में लिखें, क्योंकि तो लाइन है, लाइन में रूट थ्री वी एल आई एल आ गया। अगर हम फेज में लिखें तो रूट थ्री, ये बताओ वी एल का मान रूट थ्री वी पी और आई एल का आई पी कॉस फाई। तो अगर आप फेज में लिखते हो तो ये मिलता है थ्री वी पी आई पी कॉस फाई। तो फेज में ये है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर बैलेंस है, एक फेज में अगर एक वॉट होती है तो भाई तीन में तीन हो जाएगी। और अगर लाइन क्वांटिटी में आप देखेंगे तो रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन बस लाइन के हिसाब से लिखने का तरीका अलग है। तो हमने अभी देखो इसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। हमने अभी पढ़ा डब्ल्यू वन बराबर में वी एल आई एल कॉस 30 प्लस पाई। हमने डब्ल्यू टू बराबर वी एल आई एल 30 माइनस पाई, यही था ना भाई। और अभी हमने ये जाना है कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू बराबर में रूट थ्री वी एल आई एल कॉस पाई। ठीक है भाई बच्चों, तो हमने इसे ले लिया इक्वेशन वन, या ए ले रखा हमने शायद, और ये से ले लिया हमने बी। तुमने कहा कि इक्वेशन नंबर बी में से इक्वेशन ए को माइनस कर लेता है, तो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बराबर में वी एल आई एल को बाहर ले ले। अब पहले ये लिखना है तो कॉस 30 कॉस फाइव प्लस साइन 30 साइन फाइव माइनस, क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है, कॉस 30 कॉस फाइव, और यहां माइनस जो आएगा ये हो जाएगा प्लस साइन 30 साइन फाइव, ये हो गया कैंसिल। डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बराबर में वी एल आई एल टू साइन 30 साइन फाइव, साइन 30 हो जाता है 1/2। तो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन वी एल आई एल साइन फाइव, तो बेटा ये कैंसिल हो गया। तो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बराबर में वी एल आई एल साइन फाइव, ये मिल गया। तो ये हमने यहां पर लिख लिया इक्वेशन सी, और इसे लिख लिया हमने डी। हमने यहां ये देखा कि इक्वेशन नंबर डी को हमने यहां सी से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, तो बेटा इधर हमें मिल रहा है ये वी एल आई एल साइन फाई अपॉन में रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई बराबर में डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बटे डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। भाई प्लस है तो किसी को भी पहले और बाद में लिख लो, क्या दिक्कत है। भाई हमें यहां ये कैंसिल हो गया, तो साइन फाई बटे कॉस फाई टेन फाई। तो बच्चों हमें यहां मिल गया कि सर टेन फाई बराबर में बेटा इस रूट थ्री को यहां भेजे, ये मिला हमें रूट थ्री और डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बटे में डब्ल्यू वन प्लस में डब्ल्यू टू। ठीक है भाई, टू वाटमीटर मेथड के एक रिजल्ट ये भी मिला है, और इस पर आधारित बहुत सारे सवाल बनते हैं।
अब देखो जी, अगर आप फाई देखें तो टेन इनवर्स रूट थ्री डब्लू टू माइनस डब्लू वन डब्लू टू, अरे बाय चांस से टेन चल गया, अदरवाइज नीचे तो प्लस माइनस, ऊपर तो माइनस है नीचे दोनों सेम है, ये प्लस प्लस। अब देखो जी, आपने फाई का ये वैल्यू निकाल दिया जी टेन इनवर्स। बेटा अगर हमें फाई पता चल जाए बच्चों तो हमें पावर फैक्टर पता चल जाएगा। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई, और यही तो आएगा, यही तो देखा है। देखो अब ध्यान पूर्वक देखना, अगर हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिकल में कि अगर कोई एंगल माना इस तरफ फाई लिया है, तो बेटा अगर ये ए क्वांटिटी है ये बी है, या चलो ए बी में नहीं लिखता मैं, ये लिख दूं यार ये बच्चों वोल्टेज है और ये करंट है, तो आप इसे लैगिंग पावर फैक्टर बोलोगे, बताओ भाई यही होगा। अच्छा अगर मैं इसको फाई लिख रहा हूं तो क्या मैं इसे ये लिख दूं इसके रेस्पेक्ट में, मतलब रेस्पेक्टिव बात कर रहा हूं, अगर इधर फाई है तो मैं माइनस फाई को इधर बना लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई यहां से इस तरफ प्लस है तो इस तरफ निगेटिव, तो अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो ये तो लीड कर रहा है ना, तो ये याद रखना कि इस फॉर्मूले में जब भी आप मान लगाएं, अगर ये एंगल आपको पॉजिटिव दिखेगा तो हमने देखो पॉजिटिव यानी कि फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, तो आपने यहां बेटा पहले ही क्या लिया है बोलो, लैगिंग पावर फैक्टर। बेटा पावर फैक्टर एंगल की रेंज नॉर्मली कितनी लिखोगे, जीरो टू नाइनटी, ये तो लिखोगे यार। अच्छा अगर मैं इसे इस तरफ ले जाऊंगा कि, तो अगर इस तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो इस तरफ मैं निगेटिव ड्रॉ करूंगा कि नहीं भाई? ठीक है बस ऐसे ही, हाँ ऐसा ठीक है जो मर्जी कर लो, यही चल रहा है तुम्हारा। अरे नालायक को ये फॉर्मूला याद है डब्ल्यू टू माइनस, सवाल के माध्यम से बताऊंगा आपको, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बटे डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये याद कर लो, ये रूट थ्री नीचे था इसे यहां भेज दिया। ठीक है अब देखो जी, आप ये बताओ मुझे कि अगर हम ये लिखे हैं, इसके की पॉइंट देखते हैं, अगर ये W2 W1 के बराबर आए तो इसका मतलब है कि व्हेन टू वोल्टमीटर रीड इक्वल वैल्यू, अरे W1 W2 अगर मान है तो इसका मतलब है दोनों वाटमीटर बराबर मान पढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों वाटमीटर बराबर मान पढ़ेंगे तो देखो आप क्या करोगे, ये जो ये वैल्यू है ये जीरो आ गया, तो फाई बराबर में जीरो आया, बोलो, तो फाई बराबर जीरो का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, यही तो करोगे, इतने भावुक क्यों हो गए तुम लोग? तो जब भी ये दोनों वाट मीटर बराबर मान देंगे तो पावर फैक्टर यूनिटी है, यानी कि अगर एक वाट मीटर 10 वाट पड़ रहा है दूसरा भी 10 वाट पड़ रहा है, इट मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है भाई बच्चों, अब चलिए इसे दूसरा ये देखें हम कि अगर यहां जो W2 है वो हम ये देख लें कि W2 का जो मान है वो 2W1 है, समझिए जरा, वन वाटमीटर रीड्स डबल वैल्यू टू अदर, या फिर भाई इसे दो तरीके से लिख सकते हो, या फिर ये भी तो लिख सकते हो W2 by 2 बराबर W1, भाई या तो ये लिख दो कि W2 W1 का डबल पड़ रहा है, या ये कह दो दोनों स्टेटमेंट सेम है कि W1 का, या कहें कि W2 का जो आधा है वो किसके बराबर जाएगा, दोनों बात तो एक ही हो गई भाई। तो बेटा अगर आपने इसमें W2 ये वैल्यू रख दो कितना 2W1, 2W1 अगर आप यहां रख रहे हो, सॉल्व करके देखो जरा, 2W1 माइनस W1 बटे में ये कितना एनालिसिस करोगे तो दो और एक 3W1, तो बेटा दो में से क्या W1 बटे 3W1 कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 3,
अब ये बताओ वन अपॉन रूट थ्री किस में आएगा? है जी, 30 पर ही तो बनेगी बात। तो बेटा अगर एक वाटमीटर दूसरे का डबल पड़े या आधा पड़ेगा तो फाई का मान आएगा 30 डिग्री। और भाई बच्चों यहां पावर फैक्टर जो आएगा बोल दो 0.866। क्यों, कॉस 30 तो वही होगा ना यार। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट पर आपने देखा कि एक वाटमीटर दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट पड़ता है। एक वाटमीटर W2, ये ऐसा लिखो W1 बराबर में माइनस के W2। अगर एक वाटमीटर दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट पड़ता है, देखो इक्वल तो यहां है लेकिन अपोजिट नहीं है, यहां पर रीडिंग क्या है? इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि बराबर और विपरीत। तो भाई बच्चों ये बताओ कि बराबर और विपरीत पर अगर हम देखें, जरा ये वैल्यू यहां रख के कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हें W1 का मान माइनस W2 लिख दूं तो ये हो जाएगा 2W2। नीचे दोस्त आपको मिल जाएगा, देखो जब माइनस है तो जीरो, ठीक है, तो टेन इनवर्स मिल गया इन्फिनिटी। समझ ले बात को भाई। अरे नीचे अगर जीरो आ जाए तो मतलब अनंत, टेन में जीरो मतलब इनफाइनाइट। तो ये आ गया जी, टेन में जो इन्फिनिटी ये आ जाएगा ना ऊपर अनंत, तो इसका मतलब 90 है, ठीक है। तो चलो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर में 90। अब देखो यहां पर अगर W1 बराबर माइनस W2, प्लीज ध्यानपूर्वक देख लें, अगर W1 बराबर माइनस W2 है, इट मीन्स आप यही तो बोल रहे हो कि जिस हिसाब से हमने कनेक्शन बनाए हैं बेटा, इस एंगल में अगर आप यहां रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ऊपर तो पॉजिटिव ही बन रहा है कुछ। तो आपने कहा कि सर फाई बराबर 90 हमने निकाला तो हमें मिला यहां 0 लैगिंग पावर फैक्टर। अब डायरेक्टली ये अपना रीड करना कि जब भी बराबर और विपरीत मान पड़ेगा तो इसका मतलब 0 पावर फैक्टर। जी अब भाई 4 नंबर पर आपने देखा ये कि यदि हम ये कहें कि 1 वाटमीटर रीड कुछ पॉजिटिव वैल्यू हमने दे दिया कि ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू, 1 वाटमीटर रीड सम पॉजिटिव वैल्यू, और 1 वाटमीटर यहां पर रीड कर रहा है 0 वैल्यू, ठीक है भाई बच्चों। अगर 1 वाटमीटर कुछ पॉजिटिव मान दे 10 15 20 30 और 1 जीरो दे दे तो इसमें वैल्यू बताओ रख के कितना आएगा, 60। तो फाई बराबर में 65 बराबर 60 का मतलब पावर फैक्टर 0. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब देखो यहां से एक बहुत ही बढ़िया आइडिया हमें लगा, पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल भी आएंगे, पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल भी फंसेंगे आपको जिनमें ना आप पेन चलाने की बजाय दिमाग चलाना। देखो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मुझे ये दे दिया जाए कि 1 वाटमीटर का जो मान है, माना ये वो 10 वाट है और जो दूसरा है 0 वाट है, मैं सीधे कहूंगा पावर फैक्टर 0.5 है। अच्छा देखो बराबर और विपरीत होना एक अलग चीज था, अगर ऐसा दे दे कि माइनस के 8 वाट तो ये बराबर और विपरीत नहीं है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इसमें आपको ऑप्शन ये तलाशना है कि पावर फैक्टर हमेशा लेस देन 0.5। तो यहां से इसी अकेले कॉन्सेप्ट से 10 सवाल 2018 में यूपीपीएससी में दिए गए थे। ऑप्शन देखे, अगर ये कह रहा है कि पावर फैक्टर 0.3 0.2 0.1 यानी कि 0.5 से कम, तो 4 ऑप्शन में से देख के W1 W2 की रीडिंग पे टिक लगाना था। तो इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे थे
जिसमें एक रीडिंग जीरो थी या फिर दोनों रीडिंग पॉजिटिव थी। एकमात्र ऑप्शन ऐसा था जिसमें एक रीडिंग पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। तो इसलिए इसमें देख जरूर लेना कि ऑप्शन में क्या है। कई बार ये दे देगा आपको कि W1 की रीडिंग दे देगा, W2 की रीडिंग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। इसमें आपको पूछेगा कि पावर फैक्टर कितना होगा, तो भाई तीन ऑप्शन 0.5 से बड़े देगा, एक ही ऑप्शन 0.5 से छोटा देगा, उसको टिक लगाना है। तो इस तरह के सवाल में दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन चलाने की जरूरत कम होगी। तो हमने कहा कि एक कुछ पॉजिटिव वैल्यू और एक वाटमीटर निगेटिव और पॉजिटिव, ये दे दिया जी। वन वाटमीटर रीड्स पॉजिटिव वैल्यू एंड अदर रीड नेगेटिव वैल्यू। तो इस स्थिति में अच्छा फाई का मान कितना आएगा बोलो। अरे ग्रेटर देन 60, इसमें आएगा ग्रेटर देन 60। और भैया पावर फैक्टर आएगा लेस देन 0.5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है भाई। तो ये होता है टू वाटमीटर मेथड। अब जरा इसको पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।